धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि। और भाई साहब, आज हम आए हैं जी लुधियाना में, एक ऐसी जगह पे जहां पे एक यंग लड़का 19 इयर्स ओल्ड और भाई साहब गोली की स्पीड से बर्गर्स, काठी रोल्स, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त यहां की प्रिपरेशन, आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ, आज बहुत मजा आने वाला है। पाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। पाजी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। पाजी आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह जी। हरमनप्रीत सिंह जी आपकी एज बताइए। मेरी एज 19 इयर्स है। 19 इयर्स की एज में पाजी आप बर्गर्स बना रहे हो, क्या क्या बनाते हो आप? सर मैं बर्गर्स, काठी रोल, चीज कॉर्न रोल, स्प्रिंग रोल और वेज कटलेट, ये सब आइटम्स बनाता हूँ। बहुत बढ़िया हरमन पाजी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू पाजी। अच्छा पाजी मुझे बताओ हमें क्या बना के दिखा रहे हो आप? सर मैं अभी बर्गर लगाने जा रहा हूँ, आपको वो बना के दिखाऊं। जी जी जी, मैंने सुना आपके बर्गर जो है वो गोली की स्पीड से बनते हैं। यस सर। बनाइए सर, दिखाइए। तो पाजी जो है ना यहाँ पे भाई साहब लिटरली गोली की स्पीड से बर्गर्स बनाते हैं और इन्होंने जो टिक्कियां हैं वो उन्होंने शायद हाफ फ्राई करके रखी होती है पाजी, है ना? हाँ जी, हाफ फ्राई करके रखी होती है क्योंकि इस टाइम मौसम जो है ना वो दूसरा चेंज हुआ पड़ा है, उसके कारण टिक्की जो है गिल्ली हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके कारण ये पाजी ने ना टिक्कियां जो है हाफ फ्राई करके रखी हुई है और यहाँ पे इनको फुल डन कर लिया जाएगा सावन की वजह से। पाजी जो है वो टिक्कियां थोड़ा देके मतलब फ्राई करके लाते हैं हाफ फ्राई। ये जो है जी ये है बर्गर बंस और बर्गर बंस के ऊपर लगे हुए जी सेसमे सीड और भाई साहब ये आ गया जी तवे के ऊपर मक्खन। पाजी 19 की एज में आप बर्गर्स बना रहे हो, इसका कारण? सर कुछ ऐसा होता है कि घर में प्रॉब्लम्स होती, कुछ ऐसी है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती तो इसीलिए फिर स्टडी वगैरह छोड़ के फिर सब कुछ छोड़ के अपने इसी का काम करना पड़ता है। सर ऐसे हुआ था कि मम्मा की मैरिज हुई थी तो उनका डिवोर्स हो गया था फादर के साथ, तो इसीलिए फिर उसके कारण ही हमें बहुत दिक्कत हुई जी थोड़ा। फिर उधर हमारे नानी माँ और नाना जी ने और मामा मामी ने, इन दोनों ने मेरे को बड़ा किया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को पाला पोसा, उससे ही बड़ा किया जी। तो इसीलिए फिर उन्होंने मेरे को ये काम सिखाया। अच्छा। मेरे मामा जी ने मेरे को ये काम सिखाया। अच्छा। तो इसलिए ये काम कर। वाह वाह वाह, तो आपके मामा जी भी यही काम करते हैं? हाँ जी सर, उनकी भी यही शॉप है, सीएमसी चौक के पास प्रिंस फास्ट फूड है। अच्छा उनकी शॉप ही है। अच्छा जी, तो वहीं से मैंने 9 साल काम किया वहीं पे। वाह 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 भाई, 19 साल की एज में आपने 9 साल का एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया। यस सर। भाई सलाम है यार, आपको सलूट है। सर साथ में स्कूल जाते थे, साथ में काम सीखते थे, फिर काम सीखते सीखते आज अपना कर लिया। भाजी कहते हैं ना मुच्छ फुट गबरू, तुसी मुच्छ फुट गबरू हो तो तुसी एक एक्सपर्ट बन गए हो बर्गर बनाने में। बहुत अभी भी बढ़िया। अभी भी अगर कोई गलती होती तो मेरे को डांटते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं करना। वाह वाह वाह। सर जो जब उस्ताद होता है ना, उस्ताद हमेशा आपके लिए पोजेसिव होता है। हाँ जी। पाजी पीछे एक पाजी है जो शायद ऑर्डर लेने आए। हाँ जी, वो बर्गर लेने आए जी। कौन सा वाला बर्गर खाओगे पाजी आप? हाँ जी 30 वाला बोल रहा है। 30 वाला बर्गर खाना है पाजी ने। और इधर देखो ये टिक्कियाँ जो है वो फ्राई होके बन के तैयार हो गई हैं जी। पाजी की स्पीड बड़ी जबरदस्त है यार। और सर ये जो टिक्की है ये ऑयल फ्री, हर एक चीज आपको ऑयल फ्री मिलेगी। अच्छा, चाहे वो जिम वाला चाहे दूसरा, यहाँ चीज ऑयल फ्री मिलेगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पाजी बोल रहे हैं कि कम से कम ऑयल में पाजी जो है सामान बनाते हैं। और ये देखो जी अब आ गई केचप, सारे के सारे बंस के ऊपर आ गई जी, दबा दबा के भर भर के केचप। ऊपर से ये आ गई जी चटनी, हरी चटनी। और सर एक बात ये है कि ये सारी सॉसेस मेरी होममेड है, मैं बाहर। अच्छा। से कुछ नहीं लेता। आप खुद बनाते हैं? यस सर। ये आपने वहीं से सीखा? और मस्टर्ड जो है ये मेरी स्पेशल सॉस है। जी जी जी, तो आपने खुद सीखा सर? हाँ, आपने सर। मामा जी से? यस सर। और ये ऊपर से आ गया जी प्याज। ये पाजी प्याज भी आपने खुद चॉप करके रखा? हाँ जी सर। वाह, साथ के साथ चॉप करते हैं सर। जी जी जी। ये ऊपर से आ गया जी पनीर, अभी सोया यूज कर रहे हैं जी। अगर काम बढ़ गया तो डेयरी वाला यूज करेंगे, मजरोला फिर बीच में यूज करेंगे। पाजी काम बढ़ गया समझो, आप ऐसे ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ऐसी मेहनत करते रहो, दशम पिता जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कृपा करेंगे आपके ऊपर। और रोने की कृपा है इसीलिए आज अपने पैरों पर स्टैंड है। बिल्कुल, मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ पाजी जो आप बोल रहे हो ना कि मतलब मुझे लगता है कि ऑडियंस में से हो सकता है कुछ लोग बोलें कि सोया पनीर क्यों यूज़ कर रहे हो। हाँ, पर भाई खरीदने की जो एक क्षमता है ना वो तभी होती है जब आपकी सेल हो रही हो। हाँ, यहाँ पे पाजी जो है वो मेहनत कर रहे हैं। पाजी कितने दिन हो गए आपको लगाए हुए? सर मेरे को टोटल 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने? हाँ जी 6 महीने हो गए पाजी को लगाए हुए। और मैंने सुना कि पाजी की ज़्यादा सेल नहीं हो पा रही है। पाजी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, पाजी ने बोला कि यार आप एक बार ज़रूर आओ। जैसे ही पाजी ने बताया मैं यहाँ पे भागा चलाया, मैंने कहा पाजी यार इससे मतलब दिस इज द लीस्ट आई कैन डू, बताओ मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो पाजी ने मुझे बोला है
तो ये देखो जी आलू की टिक्कियां जो हैं वो आ गई हैं। ये जो मैंने डाली है ना ये ऑरेंज सॉस, ये मेरी खुद की बनाई हुई सॉस है और अच्छा? ये सबसे सीक्रेट सॉस, सबसे बेटर सॉस आप, आपकी सॉस है सीक्रेट सॉस। वाह 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 बहुत। और ये देखो भाई साहब ये आ गए नूडल्स। हरमनपाल जी आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? सर मैंने अभी 10th तक की है। 10th तक करी उसके बाद नहीं की जी। और अभी सपना क्या है, क्या करना चाहते हैं? सर सपना ये है, पहले तो हम अपना घर खरीदेंगे क्योंकि मैं रेंट पे रहता हूँ जी जी जी। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, फिर मैंने लेनी रेंज रोवर। रेंज रोवर, रेंज रोवर तक का सपना रखा हुआ। वाह 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 वा। काली रेंज काली गड्डी है। हाँ काली गड्डी। वाह हरमनपाल जी ऊपर सिद्धू मूसेवाले की वो लगाएंगे। क्या बात क्या बात। तो जो हरमनपाल जी है उन्होंने रेंज रोवर लेनी है जी काले रंग की। और पाजी मैं चाहता हूँ पता क्या हो, एक ना हो रेंज रोवर हो तीन। तो ये ऊपर से आ गई जी मेनीस। भगवान जो है ना पाजी हर कर्म करने वाले के हाँ। जो हार्ड वर्क करता है ना उसके सारे सपने पूरे करते हैं। अच्छी थी ये आ गई जी ऊपर से दबा दबा के भर भर के मेनीस। एंड बर्गर जो है अभी बहुत ही फन लग रहे हैं यार जबरदस्त। ये आ गई जी केचप और ये ऊपर से आ गई जी हरी चटनी। पाजी सारा कुछ घर ही बनाया हुआ है। हाँ जी सर सब कुछ जो है ये घर पे बनता है जी। ये ऊपर से ऑरेंज सॉस और ये सारा कुछ जो है पाजी खुद घर पे बनाते हैं। ये आ गया जी मसाला और अब जो है ये बर्गर्स के जो क्राउन्स हैं जी वो लग जाएंगे। एंड दीज बर्गर्स आर रेडी टू गो। पाजी कितने का बर्गर है ये? सर ये ओनली 30 रुपीज। ये 30 रुपीज का बर्गर है जी एक। और भाई साहब ये एक तरह से टावर है, काफी बड़ा बर्गर है और बहुत ही जबरदस्त है यार। और ये हो गए जी पैक। पाजी एक बार लोकेशन भी बता दो अपनी प्लीज। मेरी सर 3 नंबर गली के सामने गुरु अर्जन देव नगर लुधियाना। 3 नंबर गली के सामने गुरु अर्जन देव नगर लुधियाना। और पाजी कोई लैंडमार्क आसपास? लैंडमार्क गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा। गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा साहिब है जी। कैसे है आपका नाम? शिवम। बहुत बढ़िया। शिवम भाई बोल रहे थे आप मेरी फोटो लेना, तो मैंने बोला पाजी फोटो की क्या बात है, वीडियो लेंगे शिवम भाई की। आप यहीं पे रहते हो? बर्गर अच्छा लगता है इनका? बढ़िया। थैंक यू सो मच पाजी। थैंक यू जी आप एंजॉय करो। थैंक यू पाजी। अब क्या बना रहे हो? सर मैं काठी रोल बनाने जा रहा हूँ। अब पाजी हमारे लिए बना रहे हैं जी काठी रोल। और पाजी काठी रोल कोलकाता स्टाइल बंगाली स्टाइल बना रहे हो? पंजाबी स्टाइल? पंजाबी स्टाइल सर। ये है जी पंजाबी स्टाइल काठी रोल। सबसे पहले तो तोड़ दिया आ गए जी, पंजाबी वाली रोटी आ गई। अब इसको पाजी देखते हैं क्या करते हो आप, मैं तो वेट कर रहा हूँ काठी रोल बनाने के लिए। पहले तो सबसे पहले सर ये आलू पैटी है, इसमें सारे मसाले होते हैं, सारा कुछ है बीच में। हाँ, अच्छा आपने खुद बनाया? हाँ जी। ये सब बनाते हैं सारा सर, चीज कॉर्न रोल, स्प्रिंग रोल, वेज कटलेट, टिक्की, ये सब आइटम्स हम घर ही बनाते हैं। पाजी की जितनी भी प्रेपरेशन है पाजी खुद करते हैं यार, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ये अभी तक मेरे को ये मम्मा बना के देती है मेरे। अच्छा ये जो अपने ये टिक्की और कटलेट जो है मम्मा बना के देते हैं। वाह 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 इसमें माँ का प्यार है जी। तो ये तो सबसे पहले तोर्तिया जो है उसको मक्खन में थोड़ा सा लपेटू कर लिया ताकि। और सर ये आपको ये भी जो है ऑयल फ्री ही होगा, ये भी चीज जो है आपको आपके सामने लगाई है ये भी ऑयल फ्री ही जाएगा। आप नूडल्स डालेंगे इसमें। तो ये आ गए जी नूडल्स आपके काठी रोल्स के ऊपर। ये काठी रोल में नूडल्स डालेंगे जी। उसके बाद ये आलू पैटी फ्राई हो गई। ये देखो इधर ये आलू पैटी जो है ये देख सकते वो फ्राई हो गई, एकदम गोल्डन हो गई है। बढ़िया जबरदस्त गोल्डन ब्राउन हो गई है जी। अब इसको यहाँ पे ऑयल इसका निकाल लिया जाएगा अच्छे से। और ये आ गई जी इधर अच्छा सीधे दबा दिए काठी रोल के अंदर। वाह क्रश कर दिया जी काठी रोल के अंदर डाल के। और इसको प्रेस करके अब सॉसेज आएंगी शायद। ये आ गया जी क्रीम सैलेड आपके काठी रोल्स के ऊपर। इसमें भी हम नॉर्मल क्रीम सैलेड नहीं होता जी, इसमें गाजर प्याज शिमला मिर्च गोभी पत्ता गोभी और कॉर्न्स होते हैं इसमें। अच्छा स्पेशल। बहुत बढ़िया भाजी। और ये ऊपर से आई रेड सॉस। ये आ गई जी केचप। वाह जी वाह। और ये भर दिया जी अच्छे से। ऊपर से ये आ गई जी पुदीने की चटनी। यस सर। वाह जी वाह। और ये आ गया जी मसाला। आ गया जी ये 36 मसालों को बना के मैं एक मसाला बनाता हूँ। क्या बात है पाजी। आपका अपने लिए सपना है कि अच्छी सी रेंज रोवर लेनी है, मम्मा के लिए क्या सपना है? सर मम्मा को यही है कि आगे उनकी लाइफ जो है ना वो और थोड़ी सी मतलब के उनको सुख देना आगे भी, और कि ये कमी नहीं होने देने कि मेरे उनके हस्बैंड नहीं है तो क्या बेटा भी ऐसा निकलेगा आगे, बट ऐसा नहीं है जी। तो हरमन पाजी जो है अपने मम्मा के लिए सपने देखते हैं जी। ये काठी रोल जो है वो रैप हो गया जी। इसको मैं उधर से आके दिखाता हूँ आपको रैप करके। ये देखिए काठी रोल जो है अब इसको रैप कर लिया जाएगा।
बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया है यार। ये हो गया जी डनपाजी, कितने का है ये? सर ओनली 40 रुपीज। ये 40 रुपीज का बर्गर, 30 रुपीज और क्या होता है अपने पास सर? और जैसे कि मेरे पास ये वेज कटलेट है जी, इसको काट के भी आप खा सकते हो, बढ़िया स्नैक्स में होगा जी। और मेरे पास ये फ्रेश, सब कुछ फ्रेश होता है। ओ भाई ये क्या है? ये स्प्रिंग रोल है या चीज कॉर्न रोल है? ओ भाई साहब, ये है जी चीज कॉर्न रोल और स्प्रिंग रोल, और ये भी फ्रेश रोल किए हुए सर। इसको भी फ्राई करके पाजी बनाते हैं, बहुत जबरदस्त है यार। पाजी की जो स्टॉल है फ्रंट से कुछ ऐसी लगती है जी, सिंह साहब फास्ट फूड, एंड यहाँ पे आप आके ये सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है यार। तो ये है जी आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई साहब एक 19 साल का लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, इतने ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, और भाई साहब मुझे ना जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो ये है कि वो अपने मम्मा के लिए इतना कुछ देखता है, अपने मम्मा के लिए उसके उनके जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हमें उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला काठी रोल है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और भाई साहब ये पेड वीडियो नहीं है, ये दिल वाली वीडियो है, ये दिल से कनेक्शन वाली वीडियो है। तो हियर्स अ बाइट। बहुत ज़्यादा जायकेदार, बहुत स्पाइसी, बहुत मसालेदार ये काठी रोल है। ओहो भाई ने ना जो हरी चटनी लगाई है उससे मेरा विटामिन सी चेक हो गया, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। अगर आपने पाजी के पास खाया है तो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, अगर आपने नहीं खाया तो कमेंट करके ये बताओ कि कब आ रहे हो, कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साडी आ रही थी जोंदा दादा ते बस जा रहे साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसा ही एक और यंग लड़का जो बहुत ही बढ़िया बर्गर्स बनाता है, 5 मिनट में 50 बर्गर्स तक बना देता है, तो ये देखो।